नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूके जी के चैनल में। और एक और नोटिफिकेशन आई है आपकी 16 अक्टूबर को यूकेसीसी की ओर से, और उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 17 अक्टूबर 2017 से। क्या है वो नोटिफिकेशन और किस जॉब के बारे में है वो नोटिफिकेशन, आइए चलिए जानते हैं। इस बार 16 अक्टूबर 2017 को जो नई नोटिफिकेशन आई है आपकी यूकेएसएससी की ओर से, वो है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के लिए। ये जो दोनों पोस्ट हैं उन दोनों के जो नंबर्स हैं वो आपकी 96 पोस्ट के लिए हैं, और साथ ही जो संग्रह अमीन हैं इसके सिर्फ दो पोस्ट हैं, और इसके अलावा क्या है इस पर 69 यानी कि 69 पोस्ट और हैं जो कि आपकी व्यक्तिगत सहायक और जो कि आपके साथ ही इसके आपके स्टेनोग्राफर के लिए। तो दोनों को मिला के आपके 69 है और 96 पोस्ट हैं आपके कंप्यूटर ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायक, तो जो आपकी टोटल बनती हैं आपकी 179 है। और साथ ही इस पे जो है आपके भंडारपाल के लिए 12 पद साथ में हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपकी ऑलरेडी आ चुकी है 16 अक्टूबर को, और जो उसकी स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन डेट वो है आपकी 17 अक्टूबर 2017, और जो उसकी लास्ट डेट होगी आपकी वो आपकी होगी 16 नवंबर 2017 को। तो उसके अभी एग्जामिनेशन की डेट अभी तक पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक है एक प्रस्तावित जो डेट है, एक टेंटेटिव डेट है, वो आपकी 17 दिसंबर 2017 को। तो आइए देखते हैं कि इस पे पहला क्या है आपका कनिष्ठ सहायक यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर, दोनों को मिला के जैसे कि मैंने पहले कहा 96 पोस्ट हैं। तो आप डिटेल नोटिफिकेशन में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर यूकेएसएससी की साइट है उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा है यहाँ पे समय है पोस्ट, तो उनको डिस्कस करना काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट ये आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उस पर ये पोस्ट हैं। तो जैसे कि महानिरीक्षक निबंधक या राज्यपाल सचिवालय, इस पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं और वहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है आपकी शैक्षिक यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी होनी चाहिए आपका इंटर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के किसी कॉलेज से, और आपकी जो डेटा एंट्री की स्पीड होनी चाहिए लगभग 4000 की डिप्रेशन, और इस पे कंप्यूटर पे चाहिए मतलब जिनको प्रायोरिटी मिलेगी उनको हिंदी और इंग्लिश पे दोनों का लिखने का अनुभव होना चाहिए, या फिर आपके प्रादेशिक सेना में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव, और राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से बी प्रमाण का पत्र। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा इस बार लीक से हटके हो गया है, जैसे कि यूकेएसएससी की अभी तक की जो उनके अनाउंसमेंट थी एग्ज़ाम को लेके, इस पे क्या कि 100 नंबर का मार्क्स होगा मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा उस पे क्या होगा, उसके उस पर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके मिक्स आएंगे यानी कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जो कि करंट अफेयर्स और जो नॉर्मल हिंदी थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि अभी तक यूकेएसएससी की ओर से जो एक नोटिफिकेशन आया था, और कई सारे एग्ज़ाम्स अब जो होने वाले हैं एलटी वगैरह के उनमें ये सारी चीज़ें नहीं है, बट इस पर उन चीज़ों को जोड़ा गया है अलग से, यानी कि आपका कंप्यूटर के अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए क्वेश्चंस होंगे, बट साथ में होंगे आपके सामान्य हिंदी सामान्य ज्ञान, जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर अभी तक देखते आ रहे थे ग्रुप सी के समूह गा के। और इसके अलावा कि आपका कंप्यूटर पर हिंदी का जो है टाइपिंग टेस्ट होगा आपको 4000 की डिप्रेशन के लिए, तो ये भी इसके लिए ज़रूरी है। और साथ ही इस पर एक और नई पोस्ट है जो आपकी है संग्रह अमीन, कुल पोस्ट दो हैं शायद ही एक हिसाब से, पता नहीं क्यों दिया है दो पोस्ट के लिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं नोटिफिकेशन में, इसलिए मैं इस पे बता रहा हूँ। बाकी वैसे तो आप सभी जानते हैं कि फिल करना कितना ज़रूरी हो गया नहीं। और इस पे जो है नेक्स्ट वो है आपका पर्सनल असिस्टेंट, हाँ ये 69 पोस्ट हैं, इस पे शायद कुछ मतलब नंबर ऑफ पोजीशन ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पे पर्सनल असिस्टेंट, और साथ ही है स्टेनोग्राफर। पर्सनल असिस्टेंट और जो स्टेनोग्राफर आशुलिपि का जो वो है टेस्ट है, ये जो पोस्ट हैं दोनों कंबाइन है पहले की तरह, जैसे कि पुराने वाले जो इससे पहला वाला जो नोटिफिकेशन था तो बिक्स हैं, तो आप इस पर भी चेक कर सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और जो इसके लिए एलिजिबल है वो इस पर अप्लाई कर सकता है। और साथ ही जो इसकी जो जितनी भी हैं आपकी पे स्केल वगैरह वो भी आप जाके इस पे देख सकते हो, हालांकि पे स्केल वगैरह तो खैर आप बात की बातें हैं क्योंकि आदमी को तो समय जॉब से मतलब होना चाहिए। और इसका भी सेम है आपका वही सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, इसके क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट होगा, और जो अंग्रेजी में और इसका मतलब जो टाइपिंग रखते हैं उनको ज़्यादा प्रायरिटीज पे मिलने वाली है,
बट वो ये कि कंप्यूटर पर हिंदी की जो न्यूनतम है मतलब मिनिमम 4000 की डिप्रेशन होना ज़रूरी है साथ में। और जो एक और पोस्ट है आपकी जो स्टोर कीपर का जो असिस्टेंट है उसके लिए आपकी सहायक भंडारपाल, इस पर सिर्फ 12 पोस्ट हैं और इस पर सामान्य जाति के लिए ही हैं ये सारी 12 की 12 पोस्ट। इस पर आप अदर जो अदर कैटेगरी के लोग हैं वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेड पे इसका 1900 है और 18 से 42 साल तक की इस पर उम्र उन्होंने मांगी है। तो इस पर भी सेम है, आपका क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा, आपका सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, ये सारी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड। और एक से 109 से 112 तक यानी कि जो अभी तक हमने सारी पोस्ट देखी हैं उनमें 1/4 आपका डिटेक्ट होगा यानी कि काटा जाएगा तब जब आप कुछ क्वेश्चन गलत करते हैं, उसके आंसर ग्राफ गलत देते हैं। और ये सारी भी चीज़ें जो आप अभी तक देते आए हैं और आयु आपकी 1 जुलाई 2017 तक होनी चाहिए सारी की सारी, 42 साल तक की जो आपकी उम्र है। और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अभी तक के कंप्लीट होने चाहिए इसकी जो आपका है अप्लाई जो इसकी एप्लीकेशन डेट है उससे पहले पहले। और ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं मतलब एनुअल आप अप्लाई मतलब आपका नाम होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पे, इंडियन होने चाहिए, सारी चीज़ें। तो ये और इस पर जो इसकी फ़ीस है आपकी वही है 300 रुपये और OBC और जो आपकी जनरल कास्ट के लिए, बाकी 10 के लिए 150 रुपीज़ है। और आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। किस तरीके से इसको ऑनलाइन फिल करना है इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तभी आपको कोई प्रॉब्लम या इशू होती है आप मेरे को कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन याद रखिए कि 16 तारीख नवंबर से पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। तो बने रहिए मेरे से चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी अपनी इच्छा, मैं कुछ कहने नहीं वाला हूँ। और ठीक है, बाकी बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और नई नोटिफिकेशन के साथ और एक और नई वीडियो के साथ।